सब्सक्राइब कीजिए दवा की जानकारी चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर एक ताकत का इंजेक्शन लेकर के आ गए हैं दोस्तों। ये है न्यूरोकाइन प्लस NF इंजेक्शन, जो दोस्तों इसका सस्पेंशन है मेकोबालामीन पायरीडॉक्सिन SCI निकोटिनामाइड इंजेक्शन। दोस्तों ये इसका सस्पेंशन है, देख सकते हो आप, न्यूरोकाइन प्लस NF इंजेक्शन फॉर IM IMB यानी नस और मांस दोनों में दोस्तों ये यूज होता है। दोस्तों ये मैनकाइंड कंपनी का दोस्तों है, देख सकते हो आप, बिल्कुल पेटेंट कंपनी है दोस्तों। तो ये है न्यूरोकाइन इंजेक्शन, आप देख सकते हो ये जो है कि इतना जो है कि 1500 mcg है, पायरीडॉक्सिन ये 100 mg और निकोटिनामाइड है 100 mg दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों आपकी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है दोस्तों। अगर आप शरीर से कमज़ोर हैं, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, उठने बैठने में चक्कर आता है, जैसे आप बैठते हैं खड़ा होते हैं तो आपको चक्कर आता है, तो इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने इस इंजेक्शन का यूज जो है कि किया हुआ है, ये इंजेक्शन मैंने अपनी माता जी को लगाया दोस्तों। ये आप देख सकते हो, इसमें 3 इंजेक्शन खुला हुआ है, एक अभी इसमें पड़ा हुआ, इसका अभी यूज करना है हमको। तो दोस्तों ये इंजेक्शन काफ़ी जो है कि बढ़िया इंजेक्शन है दोस्तों, ज़्यादातर बुज़ुर्गों में ये यूज़ किया जाता है, या किसी भी आदमी को अगर कमज़ोरी है, दुबला पतला है, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है दोस्तों, तो इस इंजेक्शन का यूज कर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल ही सेफ़ है। इसका जो है कि यूज़ करने से आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ इंजेक्शन है। और दोस्तों अगर आप इसे जो है कि डेली लेते हैं, और अगर आप इसकी कोई खुराक भूल गए हैं तो दोस्तों खुराक को डबल ना करें, इसका जो है कि नियमित अगर आप लगवाते हैं तो नियमित ही लगवाएं, इसका अगर कोई भूल गए हैं तो उस खुराक को छोड़ दें और अगली खुराक को ही लगवाएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, शराब। तो दोस्तों शराब के साथ इसका सेवन किया जा सकता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। आप जो है कि अपने एक बार डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो और पूछ सकते हो दोस्तों, न्यूरोकाइन आप जो है कि प्लस शराब के साथ यूज कर सकते हो या नहीं। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, गर्भावस्था। तो दोस्तों गर्भावस्था में भी ये सुरक्षित है, इसका जो है कि कोई अभी तक जितने भी कोई मानव अध्ययन इस पर कुछ हुआ नहीं है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सेफ है, ये ताकत वाला इंजेक्शन है, इसका कोई दुष्प्रभाव गर्भावस्था में भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को जब कमज़ोरी हो जाती है तो उनको जो भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों स्तनपान, अगर कोई महिला स्तनपान करवा रही तो उस पर जो है कि उसमें भी ये सेफ है, क्योंकि यह इंजेक्शन न तो माँ को ही कोई नुकसान पहुँचाता है, न ही ये दूध में इसका कोई असर जाता है, तो दोस्तों इसका जो है कि कोई बच्चे पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ड्राइविंग पे पड़ते हैं दोस्तों, तो ड्राइविंग जो है कि आप कर सकते हो, इसके लिए भी ये सेफ़ है। अगर आपको कोई शरीर से प्रॉब्लम महसूस हो रही हो कि आप ड्राइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ड्राइविंग करेंगे या नहीं करेंगे दोस्तों। पढ़ते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों, किडनी। तो दोस्तों किडनी और लीवर दोनों में ये सेफ है, इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका यूज करें। अगर आपको किडनी या लीवर से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो दोस्तों आप इसे अपने जो है कि डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका यूज